आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध? अगर श्री कृष्ण एकलव्य का वध नहीं करते तो क्या वो अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धारी बनता? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब जब एकलव्य का नाम लिया जाता है तो गुरु द्रोणाचार्य को कोसा भी जाता है। एक ऐसा धनुर्धारी जिसने चार उंगलियों की सहायता से यादवों की विशाल सेना का संहार कर दिया था, जिसका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आखिर कौन था एकलव्य, कितना शक्तिशाली था और किस तरह से जरासंध के साथ मिलकर उन्होंने बलराम से युद्ध किया, ये सब आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व अध्याय 34 के अनुसार महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्तीय प्रदेश में श्रृंगवेरपुर राज्य का नामो निशान मिलता है, जहां निषाद राज हिरण्यधनु का वो पूरा साम्राज्य था। एक मान्यता के अनुसार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे उन्होंने स्वयं निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। वहीं गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का एक खास प्रसंग हमें जानने को मिलता है, जहां महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 के अनुसार जब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा देना आरंभ कर रहे थे, तब उस समय में द्रोणाचार्य की भेंट स्वयं एकलव्य से हुई थी। लेकिन उन्होंने एकलव्य को शिक्षा प्रदान नहीं की थी, क्योंकि वो अपने वचन से बाधित थे। उन्हें स्वयं हस्तिनापुर के राजकुमारों यानी कि कुरु वंश के ही राजकुमारों को शिक्षा देने का प्रावधान था। द्रोणाचार्य जी जानते थे कि एकलव्य एक बहुत बड़ा धनुर्धारी है और आगे जाकर वो कर्ण और अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बन जाएगा, इसीलिए उन्होंने दान में स्वयं उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन इसके बाद भी एकलव्य का सफर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एकलव्य वापस अपने राज्य में लौट कर आया और वहीं रहने लगा। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसे ही निषादों का राजा नियुक्त किया गया। न केवल वो राजा बना, बल्कि उसने अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए अपनी एक खास सेना भी बनाई और आगे जाकर वो जरासंध से जहां मिला, जहां पर जरासंध ने उसे स्वयं अपने सेनापति के तौर पर नियुक्त किया। वहीं हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 58 में एक खास जिक्र मिलता है, जहां पर राजा पौंड्रुक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार खुद को बताता था और ऐसे में उसका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और उस समय स्वयं बलराम जी और एकलव्य का भी युद्ध हुआ था, जहां एकलव्य स्वयं बलराम जी से हार गया था। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने स्वयं यादव सेना का आधे से ज्यादा सफाया कर दिया था। जब ये बात श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वो एकलव्य से मिलने के लिए इच्छुक थे। दाहिने हाथ में महज चार उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो समझ गए कि ये पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य के युद्ध का वर्णन हमें महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 48 में भी मिलता है, जहां निषाद राज यानी कि स्वयं एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य की प्रशंसा की थी, जहां उसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से एकलव्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से भी कहा था कि अगर मैं एकलव्य का वध नहीं करता, अगर द्रोणाचार्य छल पूर्वक उनका अंगूठा नहीं कटवाते, तो वो इतने पराक्रमी थे कि वो धनुर्विद्या में स्वयं भगवान परशुराम के समान जान पड़ते थे, और अगर वो ये सिद्धि हासिल कर लेते तो देवता दानव राक्षस या नाग या गंधर्व कोई भी मिलकर उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। तो इस बात से ये भी सिद्ध हो जाता है दोस्तों कि गुरु द्रोणाचार्य ने अगर उनका अंगूठा नहीं मांगा होता तो हाँ, वो कर्ण और अर्जुन से भी अधिक बड़े धनुर्धारी बनते और शायद उस समय उनका वध करना बिल्कुल नामुमकिन होता। ऐसे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।